सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के कॉलर स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, कॉलर स्क्रीन को आप कैसे चेंज कर सकते हो। यानी गाइज, अब आप बहुत ही आसानी से एंड्रॉयड कॉलर स्क्रीन की जगह पे iOS की कॉलर स्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। हालांकि गाइज, कुछ दिन पहले मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये जो ट्रिक है हमारे फोन में काम नहीं कर रहे, आपने ये चीज बताया था। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, कैसे आपको इनेबल करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे ये फोन देख सकते हो, ये रेडमी का फोन है। मैं आपको रेडमी के फोन में अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आखिर अप्लाई करने के बाद कैसा दिखता है हमारा कॉलर स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोन को लॉक कर देते हैं और दूसरे फोन से इस पे कॉल करते हैं। तो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो कॉल आ चुका है और हमारा जो कॉलर स्क्रीन है देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह गाइस, आप भी अपने फ़ोन के कॉलर स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको iOS कॉलर स्क्रीन को अप्लाई करना है, इनेबल करना है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि गाइस आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो को स्किप कर देते हो, पूरा नहीं देखते हो और गाइस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज़ नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो और गाइस कॉलर स्क्रीन जरूर लिखना। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप गाइस, आपको सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ट्रू फोन। ठीक है, आपको यहाँ पे डालना है TRUE फोन। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा ट्रू फोन, आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, 4.4 की काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं आपको इसके सेटअप के बारे में बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखना। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे और गाइज इन्हीं परमिशन को काफ़ी सारे लोग अच्छे से अलाउ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन वर्क नहीं करता है, रन नहीं करता है। ठीक है, तो सिंपली एक एक करके आपको यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देना है। अब इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे लास्ट वाला परमिशन अलाउ कर देना है। काफी सारे लोग इसी परमिशन को अलाउ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे सेट पे क्लिक करना है, आपको ओके करना है। अब गाइस, काफी सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीज ऑन करना है। ठीक है, तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट को इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों मोस्टली जो परमिशन है वो अलाउ हो चुके हैं। अब गाइस आपको कोई भी सेटअप नहीं करना है। ठीक है, सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। इसके बाद गाइस आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जैसे ही आप आओगे आपको यहाँ पे काफी अलग अलग तरीके के काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, सेटिंग को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, पहले नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, आपको गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल स्क्रीन, आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे गाइस आपको डिफरेंट फोन के कॉलर स्क्रीन मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आए आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा आंसर स्टाइल, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपको गूगल के फोन का कॉलर स्क्रीन मिल जाएगा, आईफोन का मिलेगा, हुवेई का मिल जाएगा, एसुस का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टू बटन SMS, अलग अलग तरीके के कॉलर स्क्रीन मिलेंगे। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए आपको यहाँ पे उसको टिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें आईफोन का यूज कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन पे टिक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं। अब आपको यहाँ पे पहले नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा फोटो स्टाइल, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे काफी अलग अलग तरीके के आइकन मिलेंगे। ठीक है, जो भी आइकन आपको पसंद आए, जो भी शेप आपको पसंद आता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमें ये हार्ट वाला अच्छा लगता है, ठीक है, इसको हमें सेट करना है तो सिंपली आपको इस पे टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको यहाँ पे इसका साइज सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कि कितना बड़ा आप इसको रखना चाहते हो। इस तरह गाइस आप इसके साइज को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसके साइज को बड़ा कर दिया है। इस तरह गाइस आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, लेकिन गाइस आपको सिर्फ इतना ही सेटिंग अपने फोन में करना है। ठीक है, अब हम अपने फोन को लॉक करते हैं और फिर से हम कॉल करते हैं।
गाइस आप यहां पे देख सकते हो कॉल आ चुका है जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इस तरह गाइस आप यहां पे इसको स्क्रॉल करके अपने कॉल को रिसीव कर सकते हो। ठीक है गाइस आप यहां पे देख सकते हो ये जो स्क्रीन आ रहा है ये ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है। ठीक है अगर आपको व्हाइट स्क्रीन चाहिए तो सिंपली गाइस आपको डार्क मोड को डिसेबल करना होगा। ठीक है तो कैसे डार्क मोड को डिसेबल करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे थीम का ऑप्शन मिलेगा आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां से इसको डिसेबल कर देना है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो डार्क मोड है वो डिसेबल हो चुका है। अब दोस्तों फिर से मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूं। ठीक है गाइस अब आप यहां पे देख सकते हो हमारा जो कॉलर स्क्रीन है वो व्हाइट हो चुका है जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। ठीक है इस तरह गाइस आप किसी भी फोन के कॉलर स्क्रीन को चेंज कर सकते हो और गाइस एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।